CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम आंख, नाक और कान। आलेख यूसुफ पापा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। अरे सुनो सुनो सुनो, आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों हैं साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों हैं साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे। अच्छा बच्चों, आंखें बंद करो। हाँ हाँ, सब बालक आंखें बंद करो। अरे भैया आंखें बंद करो। अरे अरे अरे, ये बीच में कौन लड़का आंखें खोले हुए है? बंद करो। अरे भैया आंखें बंद करो। अब बताओ कुछ दिखाई देता है? अरे भाई कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। अच्छा आंखें बंद करने पर कैसा लगता है? अंधेरा। अच्छा अब आंखें खोलो। अरे वाह, ये तो सबकी आंखें खुल गई। अच्छा बताओ, अगर तुम लड्डू देखना चाहो तो कैसे देखोगे? आंख से, नाक से या कान से? हाँ हाँ, आंख से। अच्छा भाई ये बताओ, तुम्हारी आंखें हैं कहाँ? पीठ पर, पेट पर या चेहरे पर? हाँ हाँ, चेहरे पर हैं। नाक के दोनों तरफ एक एक आंख। कुल कितनी आंखें हुई बताओ? कुल कितनी आंखें हुई? दो आंखें। अच्छा बताओ, बिल्ली की आंखें देखी है? हाँ हाँ, जरूर देखी होंगी। कैसी लगती है? गोल गोल, जैसे कंची हो। अच्छा तुम्हारी आंखें बड़ी होती हैं कि बैल की आंखें बड़ी होती हैं? बताओ। अरे भाई बताओ, तुम्हारी आंखें बड़ी होती हैं कि बैल की आंखें? हाँ हाँ, बैल की आंखें बड़ी होती हैं। बैल आंख से क्या करता है? हाँ हाँ, देखता है। तुम आंखों से क्या करते हो? हाँ हाँ, आंखों से देखते हो। अरे वो कौन लड़का है जिसकी आंखों में कीचड़ लगा है? बेटा अपनी आंख साफ करो। आंख ना हो तो कोई देख नहीं सकता। आंख बंद हो जाए तो कुछ दिखाई देगा? अरे भाई बताओ, कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। न ताऊ दिखाई दे, न ताई दिखाई दे, न बहन दिखाई दे, न भाई दिखाई दे। आंख के बिना काम नहीं चलेगा। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों हैं साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों हैं साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे। अच्छा बच्चों, आंख से तुम देखते हो, नाक से क्या करते हो? नाक से सूंघते हैं। नाक रगड़ते तो नहीं? नाक रगड़ते तो नहीं? नहीं नहीं। अच्छा भाई, नाक कहाँ होती है बताओ? अच्छा देखो, तुम्हारी नाक है चेहरे पर, कट तो नहीं गई? हाँ, नाक कट गई? नहीं नहीं भाई, नाक कटी नहीं, नाक मौजूद है। अच्छा बच्चों,
तुम जानते हो कि नाक का काम सूंघना है। खुशबूदार फूल सूंघिए, नाक फूल से बिल्कुल मत लगा देना, नहीं तो फूल का कीड़ा नाक में घुस जाएगा। बेटा, नाक ही से खुशबू का पता चलता है, नाक ही से बदबू का भी पता चलता है। नाक न हो तो खुशबू और बदबू में फर्क नहीं मालूम हो सकता है। सड़ी मछली और महक वाला फूल दोनों एक जैसे मालूम होंगे। बेटा, नाक बहुत जरूरी है, नाक ही से खुशबू और बदबू का पता चलता है। अच्छा बच्चों, घर के अंदर दाल उबाली जा रही है, बाहर से पता लगा लोगे? हाँ, लगा लोगे। वो कैसे? नाक से दाल की खुशबू सूंघकर। कहीं कपड़ा जल रहा हो तुमको कैसे पता चलेगा? नाक से? नाक में कपड़ा जलने की बदबू आएगी, तुमको पता चल जाएगा, कपड़े को बुझा दोगे। जो बालक नहाता नहीं उसके बदन से बदबू आती है। कैसे पता चलता है? नाक से। तुम उस बालक से दूर बैठोगे। जो बालक नहाता नहीं उसके बदन से बदबू आती है। अच्छा भाई, जो बालक खुशबूदार तेल सर में डाले होगा उससे खुशबू आएगी। ये फर्क कौन बताएगा? भाई बताओ, कौन बताएगा? नाक बताएगी। ये तो तुम सबने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लो। अगर नाक न हो तो आदमी न जाने क्या क्या खा दे। अच्छा बच्चों, छींक कहां से आती है? नाक से। अच्छा, तुम लोग भी छींक कर दिखाओ। छींको छींको छींको, अरे छींको। हाँ, बस बस बस, बहुत है। अब तुमको मालूम हो गया कि नाक सूंघने के लिए होती है, नाक बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सब नाक को अंगूठे और उंगली से बंद करो। हाँ, बंद करो। अरे भाई, अंगूठे और उंगली से बंद करो। हाँ, और अब जोर से सांस लो। देखा, सबके मुंह खुल गए। तो भाई, नाक न हो तो सबके मुंह खुले रहें, ऐसे। आ तो बच्चों, ये तो मालूम हो गया कि आंख से देखते हैं और नाक से सूंघते हैं। अच्छा लो, मैं धीरे से बोलता हूं। बच्चों, कान से सुनते हो? जी हाँ, सुनते हैं। अगर किसी का कान खराब हो तो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। उसके सामने ढोल पीटो तब भी नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा बताओ, क्यों नहीं सुनाई देगा? हाँ, कान खराब है। अच्छा बताओ, कान से क्या क्या सुनते हो? अरे बताओ, क्या क्या सुनते हो? हाँ, कान से मास्टर जी की डांट सुनते हो, कान से रेडियो सुनते हो, कान से और बताओ, कान से गाना सुनते हो, कान से कहानी सुनते हो। एक था राजा एक थी रानी, सुन लो मेरी कहानी।
ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है बताओ? घोड़े की? और ये किसकी आवाज है? भैंस की? ये आवाज कैसी सुनते हो? कान से? कान न होता तो सुनते? नहीं सुनते। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों है साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों है साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे। अच्छा, अब एक बार की बात सुनो। तीन आदमी थे, एक की आंख बड़ी तेज थी, दूर से ही देख लेता था। नाक भी तेज थी, दूर से सूंघ लेता था, लेकिन कान से जरा कम सुनाई देता था। दूसरे आदमी की आंख कुछ कमजोर थी, नाक तेज थी, दूर से ही सूंघ लेता था, कान भी तेज थे, दूर से ही सुन लेता था। तीसरे आदमी की नाक कमजोर थी, बहुत तेज खुशबू हो तो तभी पता चलता, नहीं तो नहीं। उसकी आंख और कान बहुत तेज थे, तो भाई तीनों एक साथ बैठे थे। इतने में एक आदमी आया, खूब खुशबू लगाए हुए था। उसके पास ढोल था, थोड़ी दूर पर खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। पहले आदमी ने कहा, देखो देखो, एक आदमी ढोल बजा रहा है, खूब खुशबू लगाए हुए है, हाथ बड़े जोर जोर से ढोल पर मार रहा है, लेकिन लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है, ढोल खराब मालूम होता है। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं भाई, आवाज तो बहुत तेज है, खुशबू भी खूब आ रही है, लेकिन आदमी साफ दिखाई नहीं देता, जैसे मालूम होता है बहुत दूर हो। तीसरे आदमी ने कहा, मियां क्या कह रहे हो? आदमी तो बहुत करीब है, आवाज भी तेज सुनाई दे रही है, लेकिन खुशबू कहां, बहुत मामूली सी आ रही है। तीनों आदमी बहस कर रहे थे, इतने में चौथा आदमी पहुंचा। उसने कहा, आप तीनों ठीक कह रहे हैं, पहले साहब के कान कमजोर हैं, इसलिए कम सुनाई देता है। दूसरे साहब की आंखें कमजोर हैं, इसलिए उनको कम दिखाई देता है। और तीसरे साहब की नाक कमजोर है, इसलिए खुशबू नहीं आ रही है। तीनों की समझ में बात आ गई, सब घर चले आए। इसीलिए बच्चों, आंख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए है। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों है साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात। आंख से देखो, आंख से देखो, नाक से सुनो, कान से सुन लो बात। ये तीनों है साथ तुम्हारे, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे रात, दिन हो चाहे। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।